नवाब मलिक हम तुम्हारे साथ है, साथ है, साथ है। नवाब मलिक हम तुम्हारे साथ है, साथ है, साथ है। बीजेपी हमसे डरती है, अरे बीजेपी हमसे डरती है, डरती है। अरे जितेंद्र वार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। नवाब मलिक हम तुम्हारे साथ है, साथ है, साथ है। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 8 दिन की ईडी हिरासत में भेजे गए हैं। संशोधन मामले में तड़के नाटकीय ढंग से हिरासत, पूछताछ और गिरफ्तारी के करीब 15 घंटे बाद 8 दिन यानी 3 मार्च तक के लिए ईडी हिरासत में भेजा है, जिसको लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता मुंबई के लिए कल से रवाना हो रहे हैं। और कलवा मुमरा एनसीपी अध्यक्ष शमीम खान आज सुबह 10 बजे के करीब अपने दल बल के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुंबई ईडी के दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीर देखें किस तरह से शमीम खान की तैयारी हुई। और नवाब मलिक हमारा नवाब मलिक है, इस पोस्टर में आप देखें एक नया स्लोगन दिया है, चलो मुमरा से मंत्रालय भाजपा के सवाल का जवाब है, हमारा नवाब है। इस मौके पर शमीम खान ने क्या कहा है, सुनिए। शमीम भाई, आज जो है आप लोग बस से जो है कहाँ जाने वाले हैं, क्या तैयारी है आप लोगों की आगे? आज हम लोग जा रहे हैं मुंबई के लिए। हाँ। देखिए, मुंबई मंत्रालय में हम लोग जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब ने हमें यानी कलवा मुमरा राष्ट्रवादी के संगठन को, परिवार को आदेश दिया था, कल आप लोगों को सुबह के टाइम मुंबई के लिए रवाना होना है। हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ये पूरा परिवार तकरीबन 4 से 5 बस भर करके मुंबई के लिए रवाना हो रहा है। जिस तरीके से मैं ही नारा देना चाहता हूं कि बीजेपी हमसे डरती है, ईडी को आगे करती है, मैं ये कहना चाहता हूँ, निंदा करता हूँ कि अगर कोई देश में अपनी बात रखने का किसी को अधिकार नहीं है, अगर नवाब मलिक साहब ने अपने हक की बात कही और हुकूक की बात कही तो उन्हें ईडी पहुँचा दो, देश नहीं चलेगा ऐसा। यार देश तोड़ने काम कर रहे हैं आप, देश तोड़ने काम नहीं कर रहे हैं। हम बीजेपी सरकार के बारे में निंदा करते हैं और कहना चाहते हैं कि ये आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नवाब मलिक साहब को इंसाफ मिल करके रहेगा, अल्लाह से हम लोग ये दुआ करते हैं। कितने लोग आज जो है आपके साथ जो तकरीबन 400 से लेके 500 लोग हैं। हाँ। जो अभी रवाना हो रहे हैं। हाँ। मिनिस्टर थाना में मिनिस्टर साहब भी खड़े हैं, मैंने पहुंच रहे हैं। हाँ। हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हाँ। और अभी हम लोग अभी थाने के लिए रवाना हुए हैं। हाँ। और मिनिस्टर साहब भी वहाँ पे हैं। हाँ। और हम लोग वहाँ से आगे मंत्रालय के लिए आगे हम लोग जाएंगे। हाँ। अभी सब हमारे संगठन के लोग, पदाधिकारी लोग, देखिए सब, मैडम एक मिनट, सब हमारी बहनें भी यहाँ पे मौजूद हैं, सब लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हम लोग एक ही नारा देना चाहते हैं, हमारा एक ही नारा है कि बीजेपी हमसे डरती है, इसलिए ईडी को आगे करती है, ये तानाशाही हुकूमत नहीं चलेगी। और रिजल्ट बहुत जल्द आपके सामने आएगा। तो आप जो है ईडी के दफ्तर पे जा रहे हैं, वहाँ पर जो है क्या करने वाले हैं? वहाँ पे जाकर के हम इंसाफ मांगेंगे। हाँ। वहाँ जब जाकर के हमें कानून पे यकीन है, हम ये यकीन करते हैं कि इंशाल्लाह ताला कोर्ट अच्छा फैसला देगा। हम जाकर के वहाँ हमारा एहतजाज करेंगे, हमारे नेता माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र पवार साहब, इन सबके नेतृत्व में वहाँ पे एक आंदोलन होगा और आंदोलन की शक्ल पूरे महाराष्ट्र में होगी। तो आपने सुना जो है शमीम खान ने क्या कहा। घटना के सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी MVA सरकार को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि मलिक गिरफ्तार होने वाले पहले कैबिनेट मंत्री हैं, इससे राजनीतिक हलकों में उथल पुथल मच गया है। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ कई बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया कि अदालत के आदेशों के बावजूद मलिक को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रूप से इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।